हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, जब आप लैपटॉप ऑन करते हो, अगर आपके पास लैपटॉप डेल है, तो अगर आप जब उसको ऑन करते हो तो आपके सामने एक सपोर्ट स्टेट करके एक मैसेज आ जाता है, एक पेज ओपन हो जाता है जहां पर लिखा होता है हार्ड ड्राइव नॉट इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो ये एरर आपको जब भी आप लैपटॉप ऑन करते हो या फिर आप कोई भी सिस्टम इंस्टॉल करते हो इसके अंदर, तो आपके सामने ये एरर पेज आ जाता है। उसको कैसे ठीक करना है, कैसे इस एरर को फिक्स करना है, हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हर टाइप का आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो ये एरर है यहाँ पर हम लोगों को जो दिख रहा है, इसके लिए हमको क्या करना है, आपको जो यहाँ पर कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहां पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये क्या होगा, आपका जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर जो ये आपका पावर बटन है सिस्टम का, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद F2 दबाना है आपको साथ में, जैसे ही आपने उसको स्टार्ट किया F2 प्रेस करना है आपको। F2 प्रेस करने के बाद ये बायोस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, यहां पर आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन चेक करना है कि जो आपका सिस्टम इंफॉर्मेशन के अंदर आपका जो हार्ड डिस्क है, ड्राइव है, उसका इंफॉर्मेशन है या नहीं है। ओके, यहां हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है हार्ड ड्राइव से रिलेटेड, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर जो आपका ये बूट सीक्वेंस है यहां पर आपको क्लिक करना है। ओके, उसके बाद आपको यहां पर UEFI और लेगेसी करके दो ऑप्शन मिलेंगे। ओके, तो यहां पर आपको ये जो लेगेसी वाला ऑप्शन है ये सिलेक्ट करना है। ये यहां पर क्लिक किया, यहां पर क्लिक करने के बाद आपको डेट एंड टाइम पर जाना है। यहां पर जो आपका डेट और टाइम है वो आपको प्रॉपर करना है आपके करंट टाइम के हिसाब से। ठीक है, जो आपका करंट टाइम है उसके हिसाब से आप यहां पर डेट टाइम सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाकर यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साटा ऑपरेशंस। ठीक है, यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको साटा ऑपरेशन के अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे, डिसेबल्ड और AHCI। ओके, तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सेकंड वाला। और यहां पर नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा यस और नो का, ये आपको यस करना है। ओके, यहां पर ये इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहां पर सिक्योर बूट का एक ऑप्शन मिलेगा। ओके, यहां पर उसको एक्सपेंड करना है आपको। एक्सपेंड करने के बाद यहां पर आपको सिक्योर बूट इनेबल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे, यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डिसेबल्ड एंड इनेबल। ओके, तो यहां पर आपको इसको डिसेबल रखना है। सो यहां पर आपका ये ऑप्शन डिसेबल रहेगा। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे की तरफ जब आप देखोगे, यहां पर एक अप्लाई का बटन मिलेगा आपको नीचे की तरफ। ओके, यहां पर आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। क्लिक किया, यहां पर आपको एक मैसेज बॉक्स दिखेगा, यहां पर उसको ओके कर देना है। तो क्या होगा, आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होते ही आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है। F12, ओके, F12 प्रेस करना है आपको। अभी हम लोग क्या करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे और उसको एग्जिट करेंगे। अभी अभी हम लोग एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे और F12 प्रेस करना है आपको। इसके बाद ये एग्जिट किया, F12। तो फ्रेंड्स, इधर आप देख पा रहे हो कि यहां पर कुछ ऑप्शंस आपके सामने दिखने लग जाएंगे, इंटरनल HD लेगेसी बूट के अंदर, और यहां पर ऑपरेशंस, अदर ऑप्शंस, ऐसा बायो सेटअप, बायो फ्लैश अपडेट, चेंज बूट मोड सेटिंग्स, डायग्नोस्टिक, सब आपको यहां पर दिखने लग जाएंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको
जो ये डायग्नोस्टिक एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, नीचे की तरफ थोड़ा प्रेस करेंगे हम लोग, नीचे की तरफ आओगे, यहां पर आपको एक डायग्नोस्टिक एक ऑप्शन है, यहां पर आपको एंटर प्रेस करना है। ओके, एंटर प्रेस। यहां पर ये थोड़ा टाइम लेगा आपका डिटेक्ट करने के लिए कि आपका प्रॉब्लम में क्या, जो भी प्रॉब्लम है आपका जो सिस्टम के अंदर, उसको यहां पर ये डिटेक्ट कर लेगा, ये थोड़ा टाइम लेगा। अभी यहां पर आपको कलर बेरी डिस्प्लेड यस करना है। ओके, यस करना है, यस बटन पर क्लिक करना है। तो यहां पर ये एरर इसलिए आया है क्योंकि जो हमारा जो चार्जर केबल है वो प्रॉपर अटैच नहीं था, और वो कम से कम आपका चार्ज 80% होना चाहिए। यहां पर मैं इसको यस कर दूंगा, यस कर देना आपको उधर, और मेक श्योर रखना कि आपका जो सिस्टम लैपटॉप है उस पर आपका जो बैटरी चार्जर वो 80% से ज्यादा होना चाहिए। यहां पर आपका 2 मिनट्स यहां पर दिखा रहा है, ये 2 मिनट्स और 11 सेकेंड, ये एस्टिमेट इतना टाइम ले सकता है। सो फ्रेंड्स, इधर आप देख पा रहे हो कि यहां पर उसने टेस्टेड जो कंप्लीट कर चुके हैं, और वन और मोर एरर वर डिटेक्ट, उसको कुछ एरर यहां पर फाइंड हुए हैं, वन और मोर मतलब एक या एक से ज्यादा, तो यहां पर कुछ एरर उसको मिले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसको चेक करने के लिए कि एरर क्या है, हम लोग ओके बटन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहां पर जो आपको एक एरो का बटन दिख रहा है यहां पर नीचे की तरफ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, नीचे की तरफ यहां पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, इधर आप देख पा रहे हो कि यहां पर बैटरी हमारा जो एक रेड मार्क दिखा रहा है यहां पर ओनली बैटरी के ऊपर, ठीक है, यहां ओनली बैटरी के ऊपर रेड मार्क दिखा रहा है। हमारा जो हार्ड ड्राइव है यहां पर वो डिटेक्ट चेकबॉक्स चेक है, यहां पर भी चेक है, यूएसबी चेक है, जो वेबकैम है वो भी, वीडियो कार्ड, चार्जर, फैन, मेमोरी, प्रोसेसर और ये सिस्टम मैनेजमेंट, सब ये यहां पर चेक दिखा रहा है कि यहां पर ये सब है, बट आपका जो बैटरी है यहां पर प्राइमरी बैटरी उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद यहां पर एडवांस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, एडवांस ऑप्शन, यहां पर आपका फंक्शनैलिटी वगैरह सब एडवांस ऑप्शन के अंदर, यहां पर आपका जो फंक्शन टेस्ट है हम लोगों ने क्या किया है यहां पर उसका डिटेल्स दिखा देगा आपको। ओके, यहां पर इसको बंद करेंगे, यहां पर उसको एग्जिट कर देंगे हम लोग, ऊपर जो बटन है यहां पर उसको अभी एग्जिट करेंगे, यस यस ओके बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमारा जो विंडोज है वो बूट हो चुका है, वो लॉगिन हो चुका, अभी जो एरर आ रहा था हम लोगों को वो एरर अभी नहीं आ रहा है, हमारा जो विंडोज है वो बूट हो चुका है। अभी मैं इसको लॉगिन करके दिखा देता हूं आपको, यहां पर वो स्टार्ट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अगर अगर आपका यहां पर विंडोज स्टार्ट नहीं हो रहा है और आपको वही पेज वापस से आ गया तो आपको क्या करना है, उस केस में आपको आपका जो हार्ड ड्राइव है वो एक बार निकाल कर लैपटॉप से वापस लगाना है, ठीक है। अगर वो आपका हार्ड ड्राइव खराब हो चुका है या करप्ट हो चुका है तो उसके लिए आपको हार्ड ड्राइव रिप्लेस करना पड़ेगा आपका हार्ड ड्राइव, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका जो एरर आ रहा था वो अभी एरर कैसे फिक्स करना है, आपको कैसे ठीक करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।